नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से वादा था, MED 1-4 कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ध्यान से पढ़िए, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? द कंसेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, हमारे इंडियन लिटरेचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और द कंसेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर मॉडर्न पीरियड, उसका कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव स्टडीज इन इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो इंडियन लिटरेचर है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, कंपेरेटिव स्टडीज इन इंडियन लिटरेचर। कंपेरेटिव स्टडीज, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें थोड़े से ना स्ट्रेंजर्स आते हैं आरटीसीज के, पूछ लेते हैं ये वाली जो पोएम है वो स्टोरी है या ये कहाँ से मिली, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है। तो इसके अंदर ये पूरा ये नॉवल है, संस्कारा, तमस, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी स्टोरी, पोएट्री, ड्रामा, तुगलक, ग्रीस, कर्नाटका, नॉन फिक्शनल वर्क। तो इसमें सब वही सब दिया हुआ था, कंसेप्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर, सब कुछ इंडियन लिटरेचर का ही है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्कोरिंग है, आई मस्ट से दिस इज ए स्कोरिंग बुक, तो आपको इसको स्कोर करना है ध्यान से, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने नंबर खराब कर लें, स्कोर करना है बहुत ध्यान से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर मॉडर्न पीरियड, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, द लैंग्वेज सिचुएशंस, प्रोज एंड जर्नलिज्म लिटरेचर टिल 1857 तक कैसे था, द बर्थ ऑफ द नॉवल, इसके बारे में, पोएट्री, ड्रामा, मतलब हमारे इंडिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में। बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक से एक राइटर हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर्स हुए हैं, तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा है। इत्मीनान से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। कंपेरेटिव लिटरेचर, कंपेरेटिव लिटरेचर भी है। अभी कह रहा है व्हाट इज कंपेरेटिव लिटरेचर, ठीक है। कंपेरेटिव लिटरेचर इज ए स्टडी ऑफ मोर देन वन लिटरेचर इज इन रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है। एक ही बात पे जब दो पढ़ोगे तो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई इशू नहीं। पहला नंबर। दूसरा ब्लॉक, संस्कारा, यू आर एंथा मूर्ति का ये, ठीक है। द राइटर, हिज लिटरेरी कंटेंट, नैरेटिव फॉर्म एंड थीम्स, ये पूरा का पूरा संस्कारा के बारे में, उसमें क्या लिखा हुआ है। संस्कारा क्या है, ये नॉवल है, पोएट्री डिवाइस है, ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, ये कन्नड़ का है, ये मलयालम है, ये हिंदी है, ये क्या है, सारा बताया हुआ है, ठीक है, सारा बता रहा, कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है ना। क्यों हिट हुआ, क्या इसमें बात थी, क्यों लोगों को पसंद आया इतना ज़्यादा, इनका कोई और भी काम था, ये सब उन्होंने बता रखा है। तो दिस इज सेकेंड ब्लॉक ऑल अबाउट संस्कार, यू आर एंथा मूर्ति का। अगर आपको कोई नॉवल मिलता है इसका या कुछ मिलता है, ये आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं करने वाला, ठीक है। दो कह दिए आपको, ठीक है। तीसरी बुक फिलहाल नज़र नहीं आ रही, तो मिलेगी तो दिखा दूंगा, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी वन, ठीक है। इसके अंदर माँ श्वेता देवी का साल्ट है, बहुत फेमस है, बंगाली है, ठीक है। बर्थडे, बर्ड्स, टीनी ग्रेमी, तड़प, अब देखिए मेरी बात सुनिए, तड़प उड़िया के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि लिटरेचर में हमारे यहाँ कोई थे ही नहीं, उन सब का जोड़ दिया लिटरेचर में, कोर्स में पूरा इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसका मैनेज किया है, ताकि आप इनको भी पढ़ पाए, इंडियंस को भी, ऐसा नहीं बेचारे ये रह जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट स्टोरी नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सा है, इंदिरा गोस्वामी, ठीक है, द एम्प्टी चेस्ट,
ठीक है, इसमें शी है, इनका वेरी लोनली है, हेडमास्टर है, प्राउन है, ठीक है, चनाचुर है, चंदना दत्ता, ट्रांसलेशन वगैरह बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। जब हमने किया तो हमने तो एक बार पढ़ा बस, चलो जी जय माता दी, लेकिन बाद में हमें ये एहसास हुआ इसको थोड़े ढंग से कर लेते तो और अच्छे नंबर मिलते। टॉपर्स में क्या अंतर है, टॉपर्स थोड़े बेहतर तरीके से कर लेते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है, किताब खुली भी नहीं है प्रॉपर, देख रहा उस समय आता ही नहीं था पढ़ना पूरा। ठीक है, लाइफ ऑफ वर्क्स किनका, मोतीलाल जोटवानी का, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, क्या बात है, सिंपल है, आसान है, कोई इशू नहीं है, इंडियन की चीज़ें, बहुत मज़ा आता है। अफसर अहमद का हेडमास्टर, हेडमास्टर प्रॉन, बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर बेसिकली यही दिया हुआ, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। फिर है सिक्स में पोएट्री, भाई हम लोग पोएट्री भी तो कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे ना, पोएट्री का थोड़ा ज़्यादा है मैटर, यहाँ से उठा के लाइन चुपकाते हैं तब दिक्कत हो जाती है, मैंने बताया ना इसके अंदर ये वाला मैटर जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये फंसाता भी है, बहुत दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। ये सारी पोएट्री है इसके अंदर चीज़ें जो, ठीक है, एक चीज़ देखनी, इसमें पीछे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ पोएट्री का, ये मैं जो मैं भूल गया था देखना, ठीक है। तो ये पोएट्रीज है यूनिट सिक्स तक, इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, और इसमें से नहीं जो आप प्रोज पढ़ रहे हैं पुराने उनमें से भी आ जाता है कुछ भी दी हुई है, देखो ये पोएट्री है, लाइन बता दो कहाँ से क्या ली हुई है, ठीक है, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन पूरे में नहीं आता, एक क्वेश्चन आता तो ऐसा कुछ नहीं, मैनेजेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं। अब जब से ये ब्लॉक मॉड्यूल का चेंज किया जब से बड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, मुझे ऐसे लगा कि जब मैंने कोर्स चूज़ किए थे कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन वर्ड सुना मैंने कर लिया, तो यह आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना क्या क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें सारा मदर सीरियस किचन, आई मैट वॉल्ट विटमैन, ठीक है, जस्ट वंस ट्राई, नोटबुक ऑफ पोएम्स पूरा दिया हुआ है, बहुत आसान है। सेवन्थ के अंदर दिया हुआ तुगलक, ग्रीस कर्नाड का तुगलक, ठीक है, उसमें देखो इतने सारे दिए हैं, इसमें तुगलक ग्रीस कर्नाड का इतना फेमस है, ये बहुत प्यारा प्ले है, बहुत पसंद किया गया है, कौन सी भाषा में लिखा है ये, ठीक है, कन्नड़ वाला है ये, क्या था थिएटर का, बंगाल का, ये सब लिखा हुआ है, थीम, क्रिटिकल कमेंट ऑन द प्ले, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ये आप देखेंगे नॉन फिक्शन, वही बात, नॉन फिक्शन का मतलब क्या है, रियल वाला प्रोज, किसका है, प्रेमचंद, गुरुकु, ठीक है, ओन इस्मत, ठीक है, ये सब दिए हुए हैं, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। तो इसमें बस फिलहाल इतना ही, फिर आप बोलते हो वीडियो बड़ी हो जाती है, अब थोड़ा मैटर के लिए तो वीडियो बड़ी होगी, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मेरा नाम करण है और इग्नू इंग्लिश लिटरेचर आप चैनल देख रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की बात हो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।